हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, पूरे दिन मार्केट कैसे रिएक्ट किया है। वन बाय वन करके हम सारी कंडीशन को लर्न करेंगे। आप नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन के साथ में अपडेट भी मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े थे, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इसमें हम रेगुलर बेसिस अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सीधे हम आ गए चार्ट पे। चार्ट की बात कर लेते हैं तो डॉलर इंडेक्स में मार्केट का जो मूवमेंट था, डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी थी, इस सपोर्ट लेवल के आसपास ही बना हुआ था, 104 के आसपास पूरे दिन लगभग ट्रेड किया है। अभी भी इसी के आसपास ही ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। हायर साइड में जो इसके लिए सपोर्ट हुआ करते हैं, सभी अब इसके लिए कन्वर्ट होकर रेजिस्टेंस हो गए हैं। तो कंडीशन यहाँ पे अभी मार्केट के थोड़ा डाउन ट्रेंड है, इसके कारण से डॉलर इंडेक्स और कमोडिटी को जो हम देखते हैं कि प्लस साइड में होना चाहिए था, तो आज देखोगे आप तो ये जो फर्स्ट हाफ में इसकी गिरावट रही है, गिरावट होने के बाद में एक सपोर्ट लेता है 29 के आसपास, उसके बाद में मार्केट हायर साइड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो टॉप इसने बनाया है इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे एक कंडीशन जो मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है, इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस में जाके दोबारा से डाउन मूव आ जा रहा है, तो इसी बीच में ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनली आज का जो एक्सपेक्टेशन था कि रेंज बाउंड रहने वाला है, मार्केट उसी के भी में ट्रेवल कर रहा है। अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड में अगर आप मोमेंटम की बात करते हैं, फर्स्ट हाफ में डाउन साइड ओपनिंग होती है और स्लो एंड स्टडी डाउन साइड का मूवमेंट रहता है। अब इस मूवमेंट के बाद में जो हम प्राइस पैटर्न की बात कर रहे हैं, बार बार मार्केट सपोर्ट लेवल जो इसके पास है 77,400, उसके बाद में 77,250, इन सब के पास आता है, बट यहाँ से एक रिकवरी होने की चांसेस बनते हैं। ग्लोबल कंडीशन और अदर फैक्टर को अगर आप देखते हो तो मार्केट के लिए एक अच्छी सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ से आपको एक बेस बनाता है, 2 से 3 दिन इसी रेंज में ट्रेवल करता है, तो हम प्लस साइड के लिए पॉसिबिलिटी देखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें अभी मार्केट में प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा अपने अमाउंट को फर्दर मूवमेंट करने के लिए। सिमिलर अगर आप मॉर्निंग की वीडियो देखे होंगे तो मॉर्निंग में हम डाउन साइड के लिए थे फर्स्ट हाफ में, उसके बाद में मार्केट थोड़ा रिकवर करता है और रिकवर करने के बाद में पॉजिटिव साइड में बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल अभी नेगेटिव कंडीशन में ही बना हुआ है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट सिचुएशन बना रखी है कि जो ये लेवल है इसके लिए सपोर्ट हुआ करता था, अब इसके लिए ये सिमिलर टाइप से रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और जब भी इसके पास मार्केट आया था एक रुकने की कोशिश किया था, अब डाउन साइड आने के बाद में दोबारा से इसके पास जा रहा है, तो यहाँ से मार्केट में एक पॉजिटिव कंडीशन बनने के लिए इसको क्रॉस करके क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये इतने मूवमेंट करता है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के लिए जो स्पेशली सिल्वर और गोल्ड को आप देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर 4 आवर में हम कंडीशन देखते हैं तो एक पॉजिटिवनेस बनाने की कोशिश किया, लेकिन ये हर्डल हमारे लिए है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है बहुत प्लस साइड का मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन करना बेटर नहीं होगा। नेक्स्ट इसके साथ में अगर हम सिल्वर मिनी को देखते हैं तो मिनी की देखते हैं सिल्वर मिनी की कंडीशन को, तो सिल्वर मिनी का जो रेंज था, मार्केट ने फर्स्ट हाफ में डाउन साइड मोमेंटम किया है और सेकंड हाफ में थोड़ी तेजी बनाने की कोशिश किया और रेंज के निकलने के बाद में पॉजिटिवनेस बनाने की कोशिश किया है। फाइनली अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कंडीशन अभी मार्केट के लिए साइडवेज ही अप एंड डाउन करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मेजर ट्रेंड के लिए अभी मार्केट में हम बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आके बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं जाएंगे, आपको यहाँ पे रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही प्लान करना पड़ेगा। सिमिलर अगर आप यहाँ पे 4 आवर में देखते हो तो 4 आवर में एक अच्छा ब्रेकआउट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक ये प्रीवियस डे के हाई में जो कि 98,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस की एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। एक अच्छे सपोर्ट लेवल से रिएक्ट करके ये हाई साइड निकला है, क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड का हम प्लान करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप मिनी के बाद में माइक्रो कंडीशन को देखते हैं तो माइक्रो में अगर हम डेली में लर्न करने की कोशिश करें तो ये पॉजिटिवनेस थोड़े से आते हुए देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम 97,500 के ऊपर की क्लोजिंग एक आपको होप लेके जाएगी हायर साइड पॉसिबिलिटी के लिए। जो इसका पिछले 2 से 3 दिनों की क्लोजिंग थी, लोअर लो का पैटर्न बना रहा था, आज की क्लोजिंग अगर ये 97,300 से लेके ऊपर 98,000 से 98,000 के बीच में इसमें कहीं हो जाती है तो ये पॉजिटिवनेस बनने की कोशिश करेगा, जो कि मार्केट में ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन बना रखी है कि इसने जो एक गैप क्रिएट किया था, गैप के आसपास आया है और उसके बाद में पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ से एक अच्छी कैंडल बनी है, 1200-1300 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। अगर
कंडीशन आप देखते हो तो इसके बाद में मार्केट के लिए क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन बनने की कोशिश करेगी। फिर इसके बाद 98,000 ये हायर साइड जाएंगे। अगर इनके दोबारा से ये 96,500 के नीचे निकल जाता है तो फिर वीकनेस दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी। अभी इस रेंज में है, रेंज के ऊपर क्लोजिंग में आपको हायर साइड जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कंडीशन आप देखोगे तो मार्केट में थोड़ा रिकवर करने की कोशिश किया है, क्योंकि 96,600 के आसपास यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही थी अगर आपने ट्राई किया होगा तो, जिन्होंने ट्रेड देखा होगा। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखते हो, हमें प्रीवियस लर्निंग से कुछ सीखना होता है। यहाँ इसने बॉटम बनाने की कोशिश किया है, तीन चार कैंडल लगातार ग्राउंड में थी, उसके बाद में इन सभी रेंज को हायर साइड निकलता है। इवन अगर ये ओपनिंग पॉइंट को आप देखते हो, इसके ऊपर निकलने पे मार्केट में हाई पॉइंट इसने बनाया है और इस कैंडल का फॉर्मेशन 1,000 पॉइंट से ज़्यादा का है। तो इन सभी कंडीशन के बाद में मार्केट का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर क्लोजिंग हायर साइड में होता है, इसके ऊपर हो जाता है जहाँ पे भी बना हुआ है, 97,000 के ऊपर भी इवन क्लोज करता है तो भी एक हमें पॉजिटिवनेस बनने की कोशिश करेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। पॉजिटिवनेस के साथ में मार्केट में एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको बहुत मस्ट है रखना चाहिए। थैंक यू।